हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बैग बनाएंगे उसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको हल्की फुल्की भी सिलाई आती है तो इसे बना सकते हैं। कपड़ा मैंने 30 इंच लंबा लिया है और 19 इंच इसकी ऊंचाई है। इसी नाप का हमें लाइनिंग के लिए भी कपड़ा लेना है। लाइनिंग के कपड़े में हमें दोनों साइड से 5-5 इंच पर निशान लगा लेना है। 5 इंच यहाँ से और 5 इंच दूसरी साइड से। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। तो कपड़े को फोल्ड करके मैंने स्टिच किया है। कई सारे वीडियो में मैंने आपको हैंडल बनाना बताया है। तो हैंडल को हम दोनों साइड लगा लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। मेन फैब्रिक के साथ मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। अब चारों साइड से इसकी सिलाई करेंगे और थोड़ा सा खुला रखेंगे इसे सीधा करने के लिए। सीधा करने के बाद इसके कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल कर इसके ऊपर हम अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। अब जो खुला हुआ भाग है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब जो लंबी वाली साइड है 30 इंच वाली, वहाँ पर 2 इंच पर हमें निशान लगाना है। थोड़ी थोड़ी दूर पर बिल्कुल नीचे तक हम ये निशान लगाएंगे और इसको एक लाइन से हम इस तरह से मिला लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरे साइड भी 2 इंच पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने से ये होगा कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो कोई भी कपड़ा छूटेगा नहीं और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इस तरह से अब इसे फोल्ड करना है, जहाँ हमने सिलाई की है वहीं से इसे फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे किनारे इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक साइड बन गई है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहले हमने 2 इंच पर लाइन ड्रॉ की, उसके बाद उसके ऊपर सिलाई की। अब जहाँ से हमने सिलाई किया है वहाँ से इसे फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे किनारे इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। अब बस इसे बीच से फोल्ड करिए और दोनों किनारों पर सिलाई लगा लीजिए। अब इसका हम बॉटम बनाएंगे। इस तरह से कॉर्नर को हमें 2 इंच की दूरी पर सिलाई कर लेना है। इस तरह से इसे यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब जो कॉर्नर वाला भाग है उसे सुई धागे से ऊपर की तरफ हम स्टिच कर लेंगे। तो ये बैग हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना आसान था इस बैग को बनाना। कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर आप इसमें जिप लगाकर बैग को बनाना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगी। यहाँ पर हम वेलक्रो लगा सकते हैं, जिप लगा सकते हैं। ये देखिए बैग की साइड है। आपको ये बैग और बैग बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।